गुड मॉर्निंग। सो आज होगी 21st अक्टूबर। सो मैं तैयार हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए। सो आई एम ऑल सेट फॉर द डे। और आज होने वाले सारे कॉम्पिटिशन, डेकोरेशन कॉम्पिटिशन जो भी मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है। मेरी कैब आ ही चुकी है, तो मैं बाकी बातें मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। अभी मेरी कैब आ गई है, सो आई नीड टू रश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन। लेट्स गो। यही मतलब हैंग कर दो ना, दिवाली वाली वाइब आ जाती है। सुंदर सा आपके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। उसके बाद टाइम एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फिनिश करो इसको। कलरिंग की नहीं है आपने अभी तक? आप तो नहीं रह गए, बाकी आपकी क्लासमेट्स हैं। नाच रहे और पूरा डेकोर नहीं करना है। जैसे सामान आएगा हमारे पास, सब कुछ रेडीमेड होगा क्या आपका? ना ना, हमने जो बनाना था वो रेडी कर लिया है, बाकी टेप्स वगैरह है वो सब आएगा। ओके ओके। जो जो काम जिसको अलॉट किया गया है वो वहीं पर ही होगा, अननेसेसरी कोई यहाँ पर नहीं होगा। व्हाट्स योर नेम? आप रंगोली में थे? पीछे से इसका बैकग्राउंड बड़ा गंदा सा लग रहा है इसको, तो फिर अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो हैंगिंग भी लगेगा और सुंदर भी लगेगा उसको अंदर। ओके ओके ओके। नहीं इसको ऊपर वॉल पे लगा दो, क्योंकि बाहर से ना अंदर की साइड, हाँ दीवार पर लगा दो, क्योंकि अंदर की साइड से देख रही हो ना अच्छा सा नहीं लग रहा। ले लो ठीक है, चेयर से ऊपर दीवार पर लगा दो। ये है ना आपके क्लासमेट्स ही है ना, आज इस देखो फोड़ने के ज्यादा आ रहे हैं, फोड़ने कम है। कौन कौन है बैलून्स में? बोलो मत भाई, हम सारे तो फूट रहे हैं, एक्स्ट्रा ओवर गैस कर देते हैं उसमें। मजाक हंसी मजाक बाद में करना, पहले आपको जो काम अलॉट किया गया है उसको कंप्लीट करो। मैम हम तो अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। मैं देख नहीं रही हूँ, ऐसे कौन उड़ा रहा था हवा में? मैम पता नहीं वो चले गए। मैम दो तीन चार थे वो चले गए अभी जस्ट। आप ही के क्लासमेट्स थे? मैम हमारे साथ, पता नहीं वो हमारे साथ के नहीं थे, वो मटका वाला। ओके ग्रेट। इसमें मतलब कलर्स भी करोगे क्या? नहीं कलर्स नहीं करोगे। रंगोली कौन कर रहे हैं आप लोगों में से? मैम
अच्छा अच्छा मंदिर के साइड रंगोली कौन कर रहे हैं? ओके ये किसका आइडिया है डेकोरेशन का? मेरा मैं यही देखना चाह रही थी। मेरा आंसर ज्यादा हाँ हाँ अच्छा नहीं है बहुत अच्छा है हम जीत जाएंगे ना आपको जिता देना। अच्छा जी एग्जैक्टली हाँ हाँ यस मैम बहुत प्यारा। किसका आइडिया था ये नितिन का। ये इसीलिए लगाया ताकि वो अच्छे से चले। जतिन ये दो जगह जी ना फर्स्ट ईयर रंगोली में कौन कौन है एक बार नेम बता दो। मैम नेम कॉल कर रही है उसके बाद बता देना ठीक है। हाय एवरीवन गुड इवनिंग। सो मैं आ चुकी हूँ कॉलेज से और टाइम अभी हो रहा है 5:15 और काफ़ी अच्छा आज कॉलेज में रहा। हमने इंजॉय किया आज सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए थे कॉलेज में। सो ओ माय गॉड मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ यहाँ पर भी मतलब मेरे अपार्टमेंट पर भी डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट लुक एट दिस हियर पूरी डेकोरेशंस अभी मैंने देखी पूरी लाइट्स यहाँ पर आ गई है मैंने तो अभी नोटिस किया यार ये वाह रात में काफ़ी अच्छी लगने वाली है ये। तो मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ फिर चलते नीचे चाय लेने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज बहुत ही हैक्टिक रहा और कल और ज़्यादा यू नो बिग सेलिब्रेशन है। सो टुमारो ऑल्सो देयर इज़ अ सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली ऑफ कोर्स बट कल सिर्फ फैकल्टीज़ के लिए ही होने वाला है कल स्टूडेंट्स का नहीं है उसमें कोई रोल ठीक है। सो स्टूडेंट्स ने आज कर लिया है अपना सारा सेलिब्रेशन डांस वांस और जो भी था उनका और अब कल होने वाला है सभी फैकल्टीज़ के लिए। सो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ साड़ी पहनकर और जितने भी मेरे कलीग्स हैं सो कल जो भी हमारा ड्रेस कोड है वो है हमारा साड़ी। सो कल मैं इसीलिए एक्साइटेड हूँ मुझे कल निकलना है और मेरी ट्रेन है शाम के टाइम तो मैंने अभी तक कोई भी पैकिंग नहीं की है बहुत सारा काम है अभी करने के लिए पैकिंग करनी है और सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी है यहाँ पर। सो मैंने डिनर वगैरह सब कर लिया है सो अभी मैं जल्दी से अपना बैग पैक कर लेती हूँ कल जाने के लिए क्योंकि कल मैं कॉलेज से ही डायरेक्ट आऊँगी और बैग लेकर निकल जाऊँगी क्योंकि मेरे पास कल बिल्कुल भी टाइम नहीं होने वाला है। सो अभी मुझे जल्दी से क्विक बैग पैक करना है और टाइम हो रहा है 12:08 और अभी मैंने अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर ली है और मैंने सारे काम अपने फिनिश कर लिए हैं। सो नाउ आई एम ऑल सेट फॉर टुमारो। सो अभी मैं सो जाती हूँ फाइनली और कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल मुझे साड़ी पहन कर जाना है तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा पूरा साड़ी वेयर करने के लिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे अब कल इस ब्लॉग में यहीं ऐड करती हूँ। कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ठीक है। सो इस ब्लॉग में यहीं ऐड करती हूँ मिलती हूँ आपसे कल टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ इनको लाइक कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बाय गुड नाइट।